हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए न्यू ब्रांड्स का हेयर रिमूवर क्रीम एंड ऑयल। आप देख सकते हो यहाँ पे ये प्रोडक्ट्स कुछ इस तरीके से है। ये कंटेनर अलग अलग इसलिए है क्योंकि ये स्प्रे है और ये क्रीम है। तो न्यूड जो ब्रांड्स है ये बहुत डिफरेंट और बॉडी के लिए बहुत ही बेनिफिट्स बनाया हुआ है। तो न्यूड हेयर रिमूवर स्प्रे की बात करते हैं स्टार्टिंग में। तो स्प्रे में आपको वुमेन्स एंड मैंस सभी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो मेंशन हुआ है एंड पैराबेंस फ्री है। उसके साथ इसके प्राइस में आपको बता दूं 290 रुपीज में 100 ml का पैकेजेस है। एक्सपोज योर सेल्फ प्रोडक्ट्स है। ये पैकेजेस न्यू इम्प्रूवेड है और इसके साथ मैं आपको इंटीरियर पैकेज दिखाना चाहूंगी। अंदर का इंटीरियर पैकेज कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो और इसके फ्रेग्रेंस आपको बताना चाहूंगी। जहां तक है मुझे इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही बुरी लगती है, यानी बैड स्मेलिंग है यार, अच्छा नहीं लगता। बट क्वालिटी की बात करते हैं तो क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। जैसे फर्स्ट टाइम मैंने इसे यूज किया तो मुझे जो है रिमूवर जो के अकॉर्डिंग ये ऑयल जैसा ही है। स्प्रे आप करोगे तो इसे उतना ही टाइम देना होता है जितना हम रिमूवर करते हैं। बट रिमूवर जो है वो क्रीम जैसा लगता है, दिखता है, और उसको हम ऐसा जैसे रुमाल से या फिर टॉवल वगैरह जैसे इसे क्लियर करते हैं। तो इसमें क्या है, आप ऐसा ऑयल लगा लीजिए, उसके बाद बॉडी वॉश कर लीजिए, वो अच्छे से निकल जाएगा। लेकिन आपको जैसे कुछ जगहों नहीं लगाना है, जैसे कुछ जगह यानी अंडर आर्म्स एंड बिकनी लाइंस एंड फेस पर तो बिल्कुल अप्लाई नहीं करना। हेयर रिमूवर हम लोग अंडर आर्म्स में और बिकनी लाइंस में ज़्यादातर यूज करते हैं, बट आप इसे अपने हैंड बॉडी पर यूज कर सकते हैं, ऐसे अंडर आर्म्स बिकनी लाइंस को छोड़कर, क्योंकि ये वहाँ के लिए सही नहीं है। तो अब बात करते हैं न्यूड हेयर रिमूवर क्रीम की। तो इसमें आपको नो हर्ट्स स्मेल देखने को मिलेंगे, नो बर्न्स है और नो स्किन डार्किंग है। तो बहुत ही सेफ है प्रोडक्ट्स। एंड मैं आपको बता दूं इसमें 50 50 ग्राम का 100 ग्राम पैचेस दोनों है एंड 360 रुपीज के प्राइस में ये दे रहा है। और ये क्रीम जो है एंटी टैनिंग को भी रिमूव करता है। आपके स्किन पर जो टैनिंग होती है वो एंटी टैनिंग का काम करती है। जो ये धूप में हम देखते हैं आते जाते हैं तो स्किन काला हो जाता है, सनबर्न हो जाती है, तो उससे ये अच्छे से रिमूव करता है। और मैं आपको इसका इंटीरियर पैकेज भी दिखाना, तो आप देख सकते हो ये दो पैक है और मैंने थोड़ा सा यूज करके देख लिया है अपने बॉडी पर। अब बात करते हैं ये आप अपने बॉडी पर कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। ये बॉडी पर यूज करना है अंडर आर्म्स लाइंस, ये भी छोड़ देना है। ज्यादातर हम लोग क्रीम वगैरह जो रिमूवर इस्तेमाल करते हैं वो अंडर आर्म्स और बिकनी लाइंस में, बट मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी आप जो है इसे बॉडी पर यूज करिए। बॉडी पर जब आप इसे यूज करेंगे ना तो ये बहुत अच्छा काम करता है। अगर बिकनी लाइंस अंडर आर्म्स इसे यूज करेंगे तो आपको वहाँ इचिंग इरिटिंग लगेगा। इसलिए आप जब भी रिमूवर क्रीम यूज करें तो आप ये जरूर देख लें वो हम बिकनी लाइंस में यूज कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि अलग अलग ब्रांड्स के हेयर रिमूवर क्रीम्स अब आने लगे, अलग अलग पैचेस होने लगी है। तो खास ध्यान रखना चाहिए, बिना जाने समझे आप ऐसे प्रोडक्ट्स यूज कर लोगे तो ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती है। लेकिन बहुत लोग सोचते हैं रिमूवर क्रीम है तो यार बॉडी पर कहीं भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर एक क्रीम हर एक जगह नहीं अप्लाई किया जाता। तो इसीलिए न्यूड ब्रांड्स का जो भी ये प्रोडक्ट्स है रिमूवर के लिए, ये ओनली बॉडी के लिए है। अगर आप बिकनी लाइन्स अंडर आर्म्स में यूज करते हो ना तो उसके लिए बिकनी लाइन्स वाला प्रोडक्ट्स आप यूज कर सकते हो। हेयर रिमूवर क्रीम बिकनी लाइन्स आते हैं, आप इसी ब्रांड्स का देख सकते हो। तो ये जो है ना आपको कहीं पर भी अवेलेबल मिल जाएगा। अगर आप ये प्रोडक्ट्स परचेस करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप बाय कर सकते हो। ओनली अगर आप अपने ऐसे मार्केट से लोकल मार्केट से देखना चाहते हो तो आपको मिल जाएगा तो भी सही है, लेकिन काफी अच्छा डिस्काउंट के साथ ऑनलाइन आपको मिल जा रहा है तो आप वहां पर भी देख सकते हो। ओके फ्रेंड्स, बाय।